है सोडाम, जो 16 इयर्स ओल्ड है और हमारी मेन लीड एक्टर भी है। और ये है उसकी फ्रेंड बोना। पोना आकर कहती है, तुम्हारा बैकपैक हमेशा ही फुल लगता है और आज तुम बहुत खुश लग रही हो। तो सोडाम कहती है कि मौसम बड़ा अच्छा है इसलिए मैं खुश हूँ। और जैसे वो स्कूल के गेट पर आते हैं, वहाँ पे जो क्लास प्रेसिडेंट होते हैं वो हर स्टूडेंट को चेक कर रहे होते हैं। उनमें से एक होता है हैनुअल। हैनुअल सोडाम को देखता है, सोडाम भी हैनुअल को देखती है और फिर बोना और सोडाम क्लास में जाते हैं। सोडाम जब क्लास में बैठी होती है बड़ी खुश होती है और सोचती है कि ये क्लास में से ही कोई एक है जो मुझ पर क्रश रखता है और जिसने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे कन्फेस किया है। और फिर बताते एक दिन पहले की बात, पीई लेक्चर होता है, सोडाम वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो जैसे ही क्लास में एंटर होती है कोई अपना टी शर्ट चेंज कर रहा होता है, ये होता है इनयॉक। और उसे देखते ही वो आंखें बंद कर देती है और उसके हाथों का सामान भी गिर जाता है और कहती है, सॉरी सॉरी मैं देखना नहीं चाहती थी, मैं अभी क्लास से निकल जाती हूँ। तो इनयॉक कहता है, तुम आँखें खोल सकती हो, मैंने अब चेंज कर लिया है। और उसे सामान उठाकर देता है उसका पाउच और कहता है, तुम पीई लेक्चर अटेंड नहीं कर रही हो। तो वो कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इनयॉक उसके हाथों में पाउच देखकर समझ जाता है। और फिर बताते हैं क्लास में वो हेड डाउन कर सो रही है, तभी कोई क्लास में एंटर करता है, लेकिन ये हमें भी नहीं बताया है कि वो कौन है। और वो आकर उसे पूछता है, सोडाम क्या तुम सो रही हो? और सोडाम नींद में ही कहती है हम्म। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम पे क्रश रखता हूँ। और फिर थोड़े देर बाद बताया कि बोना आकर सोडाम को उठा रही है और सोडाम के पास आकर कहती है, क्या तुमने मैंगो परफ्यूम सेंट लगाया है? तब सोडाम को थोड़ा रियलाइज होता है कि वो ड्रीम नहीं था, वो एक्चुअल में हुआ था और उसके ऊपर किसी ने जैकेट भी पहनाया है। तो फिर वो सोच में लगती है कि वो कौन है और जोर में चिल्लाती है। तभी बोना कहती है, क्या हुआ, मैं तुमने तो मुझे डरा दिया। तो सोडाम कहती है, कुछ नहीं। और फिर बताते क्लास में एक लड़का आता है और कहता है, जिसने पीई लेक्चर कल अटेंड नहीं की है अभी उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा, वो है जी हू, हैनुअल और इनयॉक। तभी वो सोचती है कि ये तीनों में से कोई एक है जो मुझ पे क्रश रखता है। और फिर बताते हैं एक साल पहले की बात, जब वो स्कूल आ रही होती है तो सामने एक लड़की का धक्का एक लड़के को लग जाता है। तो वो बड़े रूडली लड़का कहता है, तुम मेरे बीच में मत आओ, और उसे धक्का देता है। तो सोडाम क्या करती है, अपने बैग पैक में से कैप निकालती है जिससे उसका फेस कवर हो जाता है और भाग कर आकर उस लड़के को ऐसे धक्का देती है कि वो लड़का गिर जाता है। और ये चीज़ जो है वो देख लेते हैं जी हू, हैनुअल और इनयॉक। तो तभी उन तीनों ने सोच लिया होता है कि हम इसे गर्लफ्रेंड बनाएंगे। फिर बताते हैं इनयॉक सोडाम को कहता है, तुम जानती हो ना मेरा तुम्हारे पे क्रश है। और वो पास आने ही वाले होते हैं तभी जीहू उसे आवाज़ देता है और कहता है, सोडाम तुम जानती हो ना। सोडाम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और वो पास आके किस करने ही वाले होते हैं तभी हैनुअल उसे आवाज़ देता है, सोडाम तुम कहाँ देख रही हो, मैं यहाँ पे हूँ। तभी सोडाम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम तीनों का मेरे पे क्रश है और तुम तीनों अलग हो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता चले किसका ज़्यादा क्रश है। और ये सुनते ही तीनों टर्न होकर जाने लग जाते हैं। तो सोडाम कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, मैं थोड़ी एरोगेंट हो गई थी, मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं करती है। तभी वो अपने डे ड्रीम से जाग जाती है, वो बोना के साथ रोड पर होती है। तभी बोना कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया। तब उसकी बात काटने के लिए वो कहती है, तुम मोबाइल में क्या देख रही हो? तो वो कहती है, मैं स्कैंडल न्यूज़ देख रही हूँ स्टूडेंट और होम रूम टीचर के। तो वो कहती है, ये हमारे स्कूल का है? तभी स्टूडेंट्स कहते हैं, स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे चलते हैं। तभी वो कहते हैं कि देखा वो लड़की को कितनी प्रिटी है। तभी सोडाम की भी नज़र जाती है, वो लड़की सही में बहुत ही प्रिटी होती है, ये वो भी मानती है। तभी बोना कहती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि वो उसका मैसेज आता है बॉयफ्रेंड का, कोई फैंसी प्लेस ढूंढ के निकाला है उसने सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि उनके रिलेशन को 100 डेज हो गए रहते हैं। सोडाम जब स्कूल जा रही होती है तब वो जी हो और
होम रूम टीचर को देखती है रोड पर, वो कुछ बात कर रहे होते और वो सोचती है जी वो और होम रूम टीचर। और फिर वो आगे क्लास में बताया है कि क्लास में सोडैम बैठी है और क्लास में कोई नहीं है क्योंकि आज क्लास लैब में है। और वो अपने बैग में से ग्लव्स और चश्मा निकालती है जिसमें लाइट लगी होती है क्योंकि उसे ढूंढना होता है कि किसका यूनिफॉर्म मिसिंग है। वो बॉयज़ लॉकर में जाती है, चेक करती है तो वहाँ पे हैनुअल का यूनिफॉर्म होता है लेकिन दो लोगों का मिसिंग होता है, वो है इनयॉक और जीहू का मिसिंग होता है। तो वो सोचती है हैनुअल तो नहीं उसका यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों में से कोई एक है। तभी उसे आवाज़ आती है जीहू रुक जाओ, जीहू रुक जाओ। तो वो भाग कर क्लासरूम वापस आती है और कबर्ड में छुप जाती है। थोड़े देर से जीहू भी आकर वही कबर्ड में छुप जाता है। सोडैम के दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती है और वो सोचती भी है मेरा दिल इतने जोरों में क्यों धड़क रहा है। और होम रूम टीचर आकर चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो चले जाती है। और जीहू और सोडैम जब ही कबर्ड से बाहर निकलते हैं तो जीहू से पूछता है कि तुम लैब नहीं गई, तो सोडैम कहती है तुम भी तो नहीं गए। फिर बताया गया है कि सोडैम पार्क में बैठी है अपने डॉगी के साथ और उससे बातें कर रही है, उसे कह रही है कि हैनुअल का तो यूनिफॉर्म था, तो ये दोनों में से कोई एक है, इनयॉक और जीहू में से कोई एक है। और जब वो लौट रही होती है तो उसकी नज़र एक कार पर जाती है, जो कार में जीहू और होम रूम टीचर होते हैं और होम रूम टीचर जीहू के चेस्ट पे हाथ लगा रही होती। तो ये देख के वो सरप्राइज हो जाती है और उसे वो स्कैंडल वाली न्यूज़ याद आती है जो वो और बोना ने पढ़ी थी कि स्टूडेंट और होम रूम टीचर के बीच वाली बात। तो फिर आगे वो चलती है यही सोच में, तब उसे हैनुअल दिखता है एक लड़की के साथ और वो लड़की हैनुअल को किस करती है। और ये देखते ही वो पीछे हट जाती है और कार के पीछे छुप जाती है। तब यह हैनुअल को एहसास होता है कि कोई तो था और वो जाके चेक करता है लेकिन ये तो छुपी होती है। और फिर वो सोचती है कि हमारे क्लास प्रेसिडेंट और वो इंटरनेट कैफ़े वाली लड़की का दोनों डेट कर रहे हैं, ये क्या है, वो स्कैंडल मैंने देखा और अब ये दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर बताते हैं 2 साल पहले वाली बात, सोडैम चॉकलेट बॉक्स लेके रेस्टोरेंट में वेट कर रही है सीनियर का कि उसे कहेगी कि मेरा तुम पे क्रश है। सीनियर आता है, वो चॉकलेट बॉक्स दे भी देती है और कहने ही वाली होती है तो सीनियर कहता है थैंक यू तुमने मेरा एंड तक ख्याल रखा। तो सोडैम कहती है एंड तक, तो वो सीनियर कहता है मैं स्टडी करने अब्रॉड जा रहा हूँ तुम्हें नहीं पता। तो सोडैम कहती है कब वापस आओगे, सीनियर कहता है शायद 20 साल बाद और थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। फिर बताते हैं सोडैम रो रही है और अपने आप से कह रही है कि इतना टाइम मैं सिर्फ फिक्र में और झिझक में मैंने बताया नहीं और अब भी मैंने मेरा मिस कर दिया चांस ये कहने का कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो। और रोने लगती है। और सोडैम कॉस्मेटिक शॉप में है और वहाँ पे सेल लगी है और वो बोना को कॉल कर कहती है कि सेल एंड होने वाली है, तुम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आ जाना, आज तुम अपनी डेट इंजॉय करना और कल मुझे बताना कि तुमने क्या क्या किया। और फिर जैसे ही टर्न होती है उसे हैनुअल दिखता है वहाँ पे, तो हैनुअल को देखते ही उसे रात वाली बात याद आती है कि वो इंटरनेट कैफ़े वाले लड़की ने उसे किस किया था। हैनुअल कहता है मैं यहाँ पे गिफ्ट लेने आया हूँ। तो सोडैम सोचती है कि ये इंटरनेट कैफ़े वाली लड़की के लिए ही होगा। और फिर वो कहता है कि मुझे कॉस्मेटिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो सोडैम उसे एक लिपस्टिक उठाकर कहती है कि ये ना बहुत चल रही है आजकल, फैशन में है, लोग इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कौन सा कलर है, तो सोडैम खुद लगाकर उसे बताती है। और वो जब लगा रही होती है तो हैनुअल उसके लिप्स को देख रहा होता है और थोड़ी सी लिपस्टिक उसकी फैल जाती है, तो हैनुअल अपने हाथों से उसे क्लीन करता है। तो सोडैम उसे देखते ही रहती है। और यहाँ बताते हैं कि बोना अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और बॉयफ्रेंड जो है ट्राई कर रहा है उसके करीब आने के लिए। वो जैसे ही उसके पास आता है बोना थोड़ा दूर होकर हटती है और वो दिल में सोचती है कि मैं अब इस बात के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। और वॉशरूम का बहाना कर बाहर जाती है और मोबाइल में चेक करती है कि इस रिलेटेड उसे कुछ मिलता है क्या, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। वो वापस आती है, फिर उसका बॉयफ्रेंड ट्राई करता है अपने शर्ट के बटन खोलने ही लगता है। तभी वो कहती है
तुम क्या कर रहे हो और दूर चले जाती है। तभी वो कहता है कि तुम ये कोशिश कर रही हो कि मैं इतने जल्दी हाथ नहीं आने वाली हूँ। तो वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो ऐसे। तभी वो अपने मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, तुम क्या इसको मिलना चाहोगी। तभी बोना कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट ही कह देता हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम हो ही क्या, तुम एक डिश वॉशर हो। तो उसे बोना को बड़ा गुस्सा आता है, बोना उसे मारती है, गालियाँ भी देती है और मारते भी जाती है। और यहाँ बताते हैं कि इन यॉक और जी हु जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी फाइट चल रही है और यहाँ बोना जो है अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पीट रही है। इन यॉक और जी हु स्टोर से नूडल्स खरीदते हैं। तभी इन यॉक कहता है हम ये रिफंड कर देते हैं नूडल्स क्योंकि मुझे लगता है ये स्पाइसी है। तो जी हु कहता है तुम क्या लूज़र हो। तभी उनकी नज़र जाती है बोना पे, बोना गुमसुम सी अकेली बैठी होती है। तो वो दोनों सोचते इसे क्या हो गया। तो जी हु कहता है मुझे कोई पड़ी नहीं है, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। और यहाँ बताते हैं कि बोना अकेले में अपने आप से कह रही है क्या मैं बहुत कूल बन रही हूँ, मेरा उस पर क्रश था लेकिन मैं वहाँ पे उसके साथ पीछे पीछे क्यों चले गई और मैं किसे क्या कहूँगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ और अगर मेरी मम्मी को पता चला तो मैं क्या करूँगी। और रोने लग जाती है। और यहाँ स्कूल में बताते हैं कि सोडैम सोच रही है कि हैनुअल का यूनिफॉर्म था तो इन यॉक और जीहू में से कोई एक है। तभी वो देखती है कि हैनुअल किसी को यूनिफॉर्म रिटर्न कर रहा है, एक लड़के को। तो वो सोचती है फिर तो हैनुअल का बेमिस था यूनिफॉर्म, तो अब तीनों के चांसेस है, इन तीनों में से किसी का मेरे पे क्रश है। और यहाँ बताते हैं कि ये दोनों नूडल्स खा रहे हैं और इन्हें बहुत तीखा लग रहा है और जो कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी माँ का स्टोर का जो वर्कर है वो आता है और कहता है इसे ऐसे नहीं खाते, इसमें सॉस डाल के खाते हैं। और पॉकेट में से सॉस निकाल कर उसमें डालता है, मिक्स करता है बड़ी स्टाइल में और उन्हें खुद खाकर बताता है कि इसे ऐसे खाते हैं। और जैसे ही वो खाता है उसे भी बहुत तीखा लगता है, इतना तीखा कि उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है। और वहाँ पे रखता है और उनका पानी भी लेकर चले जाता है। और ये बताते हैं कि इन यॉक और जी हु नूडल्स खा रहे हैं लेकिन उनके बर्दाश्त के बाहर है और उनके पास पानी भी नहीं है क्योंकि वो वर्कर ने वो पानी भी लेकर चले गया है। इनकी क्लास ट्रिप गई होती है और मेन हाईलाइट होता है ट्रेजर हंट। टीचर कहती है दो दो की टीम होगी और वही जीतेगा जो टाइमिंग पर लौटेगा। तो एक स्टूडेंट कहता है आजकल ट्रेजर हंट कौन करता है। तो टीचर कहती है तुमको पता चलेगा जब ट्रेजर हंट मिलेगा क्योंकि वो तुम रख सकते हो। तो स्टूडेंट कहता है दूसरा कि क्या उसमें सिगरेट है। एक स्टूडेंट कहती है क्या हमें ट्रू लव मिलेगा। और इनका टाइमिंग स्टार्ट होता है। जीहू और सोडैम का टीम होती है और वो बड़े दिल लगा कर ट्रेजर हंट कर रहे होते हैं, बल्कि सोडैम तो बैक पैक में से सामान निकाल कर रेडी रहती है। और बोना और इन यॉक की टीम होती है लेकिन इन यॉक कोई मदद नहीं करता बोना को क्योंकि वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारी बोना अकेली ही ट्रेजर हंट कर रही होती है। और हैनुअल को भी कोई पड़ी नहीं होती है, जो उसका पार्टनर होता है वही अकेला कर रहा होता है। फिर बताते हैं कि गर्ल्स का ग्रुप फोटो निकाल रहा है। तभी उनकी नज़र बोना पे जाती है जो ट्रेजर हंट कर रही है। वो उसके पास जाकर उसे कमेंट्स करते हैं क्योंकि वो हमेशा ही उसके डबल आई लीड के ऊपर कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। बोना कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है और अच्छी खासी उन्हें सुना कर वहाँ से चले जाती है। तब वो लड़की कहती है कि एक दिन बोना मैं तुम्हें ज़रूर रुलाऊंगी। और तभी उसकी नज़र जाती है घास पे तो उसमें उसको ट्रेजर हंट मिलता है। तभी वहाँ सोडैम आती है और कहती है अरे ट्रेजर हंट। तो सोडैम को देखकर वो दूर फेंक देती है। तो सोडैम जब उसे ढूंढने लगती है ट्रेजर हंट को फिर से तो वो दिखता है उसे पेड़ में अटका हुआ, वो निकाल नहीं पाती। तभी वहाँ पे इन यॉक आता है और वो उसे निकाल कर देता है और कहता है तुम रख लो, तुम्हारी टीम जीत जाएगी।
तभी अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो भागते हुए सोडाम गिर जाती है, तो जीहू आकर उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है जल्दी करो टाइम ख़त्म होने वाला है, और वो दोनों टाइमिंग पे पहुँच जाते हैं। ये सब हैनुअल देख रहा होता है। बॉयज रूम के बाहर सोडाम और बोना होते हैं, तभी सोडाम कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बोना कहती है क्या तुम्हें नहीं जानना कि तीनों में से किसने कन्फेस किया है, तभी सोडाम कहती है तुम्हारी टी शर्ट के अंदर क्या है, तभी हमें बताया है कि बोना ने बड़ी तैयारी के साथ आई होती है, वो अल्कोहल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, वेफर्स बॉक्स में और यहाँ तक कि कॉफ़ी के पाउच में उसे भरकर सील करके लेके आई होती है। दरवाज़ा खोलता है हैनुअल, हैनुअल उन्हें देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे, तब बोना कहती है कि हमारे ट्रिप का लास्ट डे है तो हम उसे वेस्ट कैसे जाने दें। तभी एंटर होते हैं तो जीहू सोडाम को कहता है कि तुम्हारा पैर अब कैसा है, तो वो कहती है सोडाम कि अब ठीक है, लेकिन उसे मैंगो की खुशबू आती है परफ्यूम की, तभी वो सोच में पड़ जाती है। फिर वो ड्रिंक करने बैठते हैं, तभी उनके पास ग्लास नहीं होता, तो सोडाम अपने बैकपैक में से ग्लासेस निकालती है और वो ड्रिंक करने लगते हैं। जीहू को छोड़कर बाकी सबको चढ़ जाती है। बोना जो होती है फैन के सामने बैठकर गाना गाने लग जाती है। हैनुअल और इनयॉग जमीन पे लेट जाते हैं। सोडाम जीहू का टी शर्ट पकड़ पकड़ के खींचने लगती है, तो जो जीहू है वो बहुत इरिटेट फील करता है, वो कहता है जाओ तुम जाकर सो जाओ, तो सोडाम कहती है मुझे और फन करना है, ये कहकर बाहर भाग जाती है। तो उसके पीछे जीहू भी जाता है और उसे कहता है चलो तुम जाकर सो जाओ, तो वो कहती है तुम मुझे पिगी बैक राइड दोगे तभी मैं सोऊंगी, तो वो कहता है मैं दूंगा लेकिन तुम पक्का सोगी, वो हाँ कहती है। उसे वो पिगी बैक राइड देने के लिए जैसे ही लेता है वो उसके चेस्ट पे हाथ लगाती है और कहती है कि होम रूम टीचर भी तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगा रही थी, और फिर कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो जीहू उसे नीचे उतारता है ये कहकर कि मेरे ऊपर तुम वॉमिट नहीं कर देना। फिर वो कहती है कि मैंगो की खुशबू आ रही है और उसके पास आकर उसे लिप्स पे किस करती है और कहती है सो यमी, और जीहू उसे देखते ही रह जाता है। जीहू बड़ा तैयार होकर रेस्टोरेंट के बाहर रुका है क्योंकि उन्हें कूपन्स मिले हैं ट्रेजर हंट जीतने के बदले। सोडाम आती है, उसे कहती है कि तुम बड़े तैयारी में दिख रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब रेस्टोरेंट में उन्हें फ्राइड चिकन सर्व होते हैं तो सोडाम अपने बैकपैक में से सॉसेस निकालकर प्लेट में डाल रही होती है, जिसे देखकर जीहू पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो सोडाम कहती है ये मस्टर्ड सॉस है, ये स्वीट सॉस है, तो वो कहता है कि मुझे भी पता है कि ये सॉस है लेकिन तुम इतना सब बैकपैक में लेकर क्यों घूमती हो, तो सोडाम कहती है मुझे फ्राइड चिकन के साथ ये सब सॉस बहुत पसंद है। तो ये सुनते ही जीहू अपना जो ड्रमस्टिक होता है उसे देता है और कहता है तुम खाओ तुम्हें पसंद है ना, और वो जब खा रही होती है तो जीहू की नज़र उसके लिप्स पे जाती है और उसे उस दिन वाली बात याद आती है जब सोडाम ने जीहू को किस किया था, तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम उस दिन ठीक थी ना, तो सोडाम कहती है किस दिन, तो जीहू कहता है जिस दिन तुम बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो वो कहती है कि हाँ वो दिन मैं तो भूल गई क्योंकि सारी चीज़ वो मैं नशे में थी और मुझे अब कुछ याद नहीं। तो ये सुनते ही जीहू जो ड्रमस्टिक उसे दिया होता है वो वापस लेता है और खुद खाने लगता है। क्लास में एक स्टूडेंट सभी को कहता है कि किसे वो इंटरनेट वाली लड़की की वीडियो देखनी है, उसने वीडियो बनाई होती है उसके लेग्स की, जिसे सुनते ही हैनुअल कहता है कि इसे डिलीट करो वरना मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा, तो वो स्टूडेंट कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या झगड़ा करना है मेरे साथ, और क्या तुम ओल्ड फैशन हो जो मुझे कह रहे हो कि ये डिलीट करने के लिए, या तुम ओल्डर गर्ल्स में इंटरेस्ट रखते हो। ये सुनते ही हैनुअल उसे मारता है और कहता है कि तुम ये डिलीट करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरी माँ के साथ फिर से ऐसी हरकत करोगे। तभी जीहू हैनुअल को अलग करता है और बाहर लेके जाता है। फिर बताते हैं कि हैनुअल अकेला स्टेप पे बैठा है, तभी सोडाम वहाँ पर आती है और उसके हाथ में बैंडेड करती है।
जब वो स्कूल से निकलती है तो ये सोच रही होती है कि ये 16 इयर्स ओल्ड में सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं जिसे हमें फेस करना होता है। और तभी उसकी नज़र जाती है जीओ और होम रूम टीचर पे, जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और होम रूम टीचर उसके बैग पे टैप कर रही होती है और बाय कहकर जाती है। जब भी वो भी निकलती है वहाँ से और जीहू भी उसे देख लेता है तो वो उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। तो वो कहता है जीहू कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो सोडाम कहती है हाँ ठीक है तुम्हें सुनना है, तुम और होम रूम टीचर डेट कर रहे हो, तुम दोनों का कुछ रिलेशन है। तो वो कहता है कौन, वो राइनोसोर, अरे वो मेरी बड़ी सिस्टर है बायोलॉजिकल। ये सुनते ही सोडाम सरप्राइज हो जाती है और अपने हाथ मुंह पे ही रख देती है और वो कहता है जीहू तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो, मेरे पूरे बॉडी पे कांटे आ गए ये सुनकर। तो वो कहती है सॉरी सॉरी मैंने गलत किया ये, और ये दोनों को हैनुअल देख लेता है। इंटरनेट कैफ़े वाली जो गर्ल होती है, जो हैनुअल की माँ भी होती है, सब्जी खरीद रही होती है, तभी हैनुअल आकर उसके हाथों से बैग लेता है। तो वो उसकी माँ उसकी चोट देख लेती है और कहती है तुमने फिर से फाइट किया, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हैनुअल कहता है ये ठीक हो जाएगी, मैं अपना देख लूँगा। और जब वो चलने लगते हैं तो हैनुअल की माँ उसके हाथों में हाथ डालती है, वैसे ही पीछे हो जाती है ये कहकर कि यहाँ भी बच्चे होंगे, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी हैनुअल उसका हाथ फिर से अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराता है और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बताते हैं कि सोडाम और बोना दोनों स्कूल जा रहे हैं। तभी सोडाम कहती है अभी बहुत हो गया, डायरेक्ट शूट करना चाहिए। तो बोना कहती है हाँ तुम्हें तीनों में से एक तो चूज़ करना ही होगा, और वैसे तीनों में से बेस्ट कौन है। तो सोडाम फिर सोचती है हैनुअल जिसने लिपस्टिक साफ की थी, या इनयॉग जिसने ट्रेजर हंट दिया था, या जीहू जिसे उसने किस किया था। तभी जीहू पीछे से आता है और उसकी बैग ले लेता है और कहता है इतना हेवी बैग लेकर घूमती हो, तुम्हारे शोल्डर पेन नहीं होते। तो बोना कहती है तुम्हें सुबह सुबह झगड़ा करना है। तो सोडाम कहती है कि ये बड़ा दिखता है और इतना हेवी है नहीं। तो जीहू कहता है क्लासरूम से ले लेना, मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा, और चले जाता है। जीहू और इनयॉग लॉकर के सामने होते हैं, तभी जीहू मोबाइल में बिजी होता है। तभी इनयॉग उसे पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो जीहू इनयॉग को पूछता है क्या तुम्हारा कोई क्रश है। तो इनयॉग कहता है हाँ मेरा क्रश सोडाम है। फिर बताते हैं कि क्लास में सोडाम जब आती है उसका बैग उसके बेंच पे रहता है और वो सोचती है कि जीहू को जो करना होता है वो वही करता है। और वो जैसे ही बैठती है उसे एक गिफ्ट मिलता है हार्ट शेप में जिसपे नाम नहीं होता। तो वो सोचती है किसने दिया है, ये हैनुअल ने तो नहीं दिया है, क्योंकि हैनुअल अकेला ही क्लास में तब होता है जब वो आती है। फिर तभी बोना आती है और उसे पूछती है क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि मुझे हेल्प करो ये सॉल्व करने के लिए। फिर वो लैडर गेम खेलते हैं कि जिसका नाम आएगा वो उसके साथ फर्स्ट डेट पे जाएगी। तब नाम आता है इनयॉग। फिर बताते हैं कि वो होटल में इनयॉग और सोडाम दोनों बैठे हैं। तभी सोडाम कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं ट्रेजर हंट जीती हूँ और मुझे फ्राइड चिकन भी मैंने इंजॉय किया है, तो मैं तुम्हें ट्रीट कैसे नहीं करती। तभी भी लेकिन जो इनयॉग का बिहेवियर होता है वो बड़ा ही कोल्ड होता है। फिर वो सोचती है कि मैं डायरेक्ट ही इसे पूछ लूँ। फिर वो पूछने लगती ही है कि उस दिन पीई क्लास में तभी उनका खाना सर्व होता है, और फिर वो खाना सर्व लेने लगती है तभी उसे जीहू की याद आती है, क्योंकि जीहू ने उसे अपना फ्राइड चिकन दिया था। लेकिन यहाँ तो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर होता है। और जब वो निकल रहे होते हैं रेस्टोरेंट से, तभी सोडाम सोचती है कि मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती, मुझे इनयॉग को पूछना ही चाहिए क्या वो था जिसने मुझे कन्फेस किया था अपना फेस दिखाने से। इनयॉग ग्लास गेम खेल रहा है और सोडाम उसे चीयर अप भी कर रही है और वो टाइमिंग पे कंप्लीट भी कर लेता है। तो वो खुशी के मारे उसे हाई फाइव देने जाती है सोडाम, तभी उसे जीहू की याद आती है कैसे उसने भी हाई फाइव किया था जीहू को ट्रेजर हंट जीतने के बाद। और उन्हें एक गिफ्ट भी मिलता है सॉफ्ट टॉय जो बी का होता है, तो जिसे सोडाम लेकर कहती है थैंक यू
मैं इसे याद रखूंगी। तो इनयॉक कहता है, ये तुम्हें दे कौन रहा है? और तभी इनयॉक के मोबाइल में मैसेज आता है जीहू का कि तुम कहाँ हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम पीसी रूम में हो? और लेकिन इनयॉक उस मैसेज को इग्नोर करता है। और जब वो चल रहे होते हैं तो सोडैम सोच रही होती है कि मुझे जीहू की क्यों बार बार याद आ रही है, क्या वो ड्रंक किसके वजह से याद आ रही है? तभी वहाँ पे एक यूट्यूबर आता है जो लाइव होता है, लाइव वीडियो निकाल रहा होता है, और वो कहता है कि मेरा कंटेंट आज का कपल पे है, क्या तुम दोनों कपल है? तो वो ना कहते हैं, फिर भी वो उनकी वीडियो निकालने लगता है, एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स को हाय तो बोल दो। लेकिन इनयॉक सोडैम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जीहू इनयॉक को ढूंढ रहा होता है। और फिर बताते हैं कि सोडैम और इनयॉक दोनों बेंच पे बैठे हैं, तभी इनयॉक सोडैम को पूछता है कि तुम बहुत सोच में हो, क्या ये जीहू के वजह से है? तो वो कहती है, नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पूछना तो था तुमसे, क्या तुम पीई लेक्चर के टाइम पे जिस दिन तुमने अटेंड नहीं की थी, क्या तुम थे वो? तो इनयॉक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे बालों पे कुछ है। तो वो पूछती है कहाँ, तो वो खुद निकालने जब जाता है तो पीछे से जीहू आके उसका हाथ पकड़ लेता है। एनुअल और वो जो स्टूडेंट होती है उनका क्लीनिंग डे होता है और वो रिपोर्ट कर निकल ही रहे होते हैं, तभी एनुअल सुनता है कि वो किसी से बात कर रही है कि यूट्यूबर सांगता है कि वीडियो में सोडैम है, क्योंकि वो डेट पर गई थी इनयॉक के साथ। तो ये सुनकर हैनुअल थोड़ा परेशान हो जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो सच में उसके अंदर सोडैम होती है। कि जीहू आकर इनयॉक का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने इतने सारे मैसेज और कॉल किए लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तो इनयॉक उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सोडैम को कहता है कि मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा और वहाँ से चल देता है। तो जीहू भी उसके पीछे चलता है और कहता है, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, और उसे कहता है कि क्या यही तुम्हारी फ्रेंडशिप है या तुम्हारी आदत है कि लोगों के पीठ पीछे ऐसे करने की, और भी कुछ होगा तो मुझे एडवांस में बता दो। तो इनयॉक गुस्से में पंच मारता है, लेकिन झाड़ पे मारता है, ट्री पे पंच मारता है। तो जीहू कहता है कि तुम अब मुझे मारोगे भी, तो इनयॉक उसका हाथ झटक कर वहाँ से चले जाता है। फिर बताते हैं स्कूल में सोडैम सोच रही होती है कि ये फ्रेंडशिप चेंज हो गई है, क्योंकि इनयॉक दो दिन से स्कूल नहीं आया होता है, एक तरफ बहुत गुस्सा है और एक तरफ कम्प्लीटली साइलेंट। तभी हैनुअल आकर जीहू को कहता है कि दो दिन हो गया हैनुअल नहीं आया है, तुम देखो वो बीमार तो नहीं है और तुम लोग दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो। फिर बताते हैं कि सोडैम मोबाइल में चेक कर रही है और वहाँ पे सब बातें कर रहे हैं बोना के सर्जरी पे, कि ये कमेंट्स है कि वो बड़ी बनती थी, कि ये नेचुरल है, ऐसे बिहेव करती थी, लेकिन उसने सर्जरी कराई है। भी वहाँ गर्ल्स का ग्रुप आता है और बोना को कहता है कि बड़ी बनती थी लेकिन प्लास्टिक सर्जरी कराया है, इतना पैसा वेस्ट किया है प्लास्टिक सर्जरी पे, लेकिन बोना कोई रिस्पांस नहीं देती। फिर बताते हैं कि सोडैम जा रही है तो वही गर्ल्स का ग्रुप बोना के बारे में बात कर रहा है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो सोडैम पानी उठाती है गंदा और उनके ऊपर फेंक देती है, और वो लोग चिल्लाते हैं कि ये क्या किया तुमने, तो वो कहती है कि यहाँ पे मुझे आग दिख रही थी इसलिए मैंने पानी डाल दिया, और फोटो निकालती है वो तीनों का भी और कहती है कि तुमने अभी फिर से बोना को कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी जब सब मिलकर किसी को टारगेट करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है। और वहाँ से जाने लगती है तो बोना वो देख लेती है। फिर बताते हैं कि बोना और सोडैम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बोना कह रही है कि सॉरी मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था, मैं बताना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। तो सोडैम उसे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बोना हो, तुम प्लास्टिक सर्जरी कराई हो या नहीं कराई हो, फिर भी तुम मेरे लिए प्रीटी हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर जीहू मोबाइल चेक कर रहा है कि इनयॉक का कोई रिप्लाई आया या नहीं, तभी वो देखता है कि सोडैम का बर्थडे आने वाला है, उसकी डेट बहुत ही पास है। तभी वो
हैनुअल से टकराता है और हैनुअल ने प्रेजेंट लेके रखा होता है और वो कहता है कि ये मेरी फ्रेंड के लिए है जिसका बर्थडे आने वाला है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो जीहू उसे पूछता है क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है, तो हैनुअल कहता है नहीं अभी तक उसे मैंने बताया नहीं है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कहने से डरता हूँ। फिर बताते हैं कि सो डैम और इनयॉक का आमने सामने होता है लेकिन इनयॉक उसे कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। तभी उसके मोबाइल पे जीहू का मैसेज आता है, तभी वो सोचता है कि मुझे अब टाइम आ गया है कि बात करनी ही होगी। फिर बताते हैं सो डैम क्लासरूम में बैठी है और सोच रही है उस दिन की बात जिस दिन उसने देख लिया था इनयॉक और जीहू को लड़ाई करते हुए, और वो सोच रही होती है कि क्या क्या हो रहा है आजकल। और तभी उसके हाथ जाता है तो उसे बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं फ्राइड चिकन के जो जीहू ने उसे दिए होते हैं और जिसे पाकर वो स्माइल करती है। और तभी बोना आती है, उसे बर्थडे विश करती है और हेयर क्लिप देती है और हैनुअल भी उसे गिफ्ट देता है। और जैसे ही वो खोलती है उसमें लिपस्टिक निकलती है, तो बोना कहती है ये तो वही लिपस्टिक है जिसमें मैंने हेल्प की थी तुम्हें पसंद करने में। तो हैनुअल कहता है ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ले ली। और फिर उसके मोबाइल में मैसेज आता है जीहू का कि तुम नीचे आ सकती हो क्या, और वो जब नीचे जाती है तो वो कहती है अरे तुम अभी तक नहीं गए, तो वो उसे बैकपैक देता है। तो वो कहती है तुमने मुझे कूपन्स तो दे ही दिए थे, लेकिन जीहू कहता है तुम पहन कर बताओ, और वो पहन के बताती है तो वो कहता है तुम पर बहुत अच्छी लग रही है लेकिन इसके अंदर अभी यूजलेस चीज़ें मत डालो नहीं तो तुम्हारे कंधे गिर जाएंगे। और सो डैम उसी को देख रही होती है। फिर जीहू और इनयॉक को बताया गया है और जीहू कहता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे ना कॉल उठा रहे हो, तो इनयॉक बस स्माइल करता है। तो जीहू कहता है तुम स्माइल कर रहे हो, तो इनयॉक कहता है क्या तुम्हें पता है हमारे फ्रेंडशिप को कितने साल हुए हैं, 10 साल से हम साथ में हैं और मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम बिताया है जितना मैंने अपनी माँ के साथ नहीं बिताया है, और मैं जूडो में तुमसे जीत सकता हूँ लेकिन मैं हमेशा हारते आया हूँ, तो चलो अब एक जूडो फाइट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। और वो दोनों फाइट करने लगते हैं और यहाँ बताते हैं कि सो डैम घर जा रही है। तभी उसे हैनुअल का कॉल आता है और हैनुअल उसे पूछता है क्या तुम घर पहुंच गई, वो कहती है कि मैं ऑलमोस्ट घर के पास हूँ। तो वो कहता है तुम बहुत खुश लग रही हो, और ये सुनते वो थोड़ी सरप्राइज होती है कि हैनुअल मुझे कैसे देख रहा है। और तभी वो उसे आवाज़ देता है और वो जब पलट कर देखती है तो वो रोड के उस पार होता है और वो कहता है सो डैम क्या तुम जानती हो मेरा तुम्हारे पे क्रश है। और ये सुनते ही सो डैम सरप्राइज हो जाती है कि यही है वो हैनुअल जिसने मुझे कन्फेस किया था क्लासरूम में। और यहाँ बताते हैं कि इनयॉक और जीहू दोनों फाइट कर रहे हैं और जीहू कहता है कि तुम इतनी सी बात पे ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो इनयॉक कहता है कि मुझे जूडो पसंद नहीं था लेकिन मैंने तुम्हारे वजह से ज्वाइन किया और पसंद करने लग गया, तो वो सो डैम नहीं है वो तुम हो जिसे मैं लाइक करता हूँ, और वहाँ से चले जाता है। और फिर बताते हैं कि वो सोच रहा है अपने आप में ही कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें सो डैम के साथ देखा था जीहू और सो डैम को तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, तो मुझे लगा था कि सो डैम के लिए मुझे फीलिंग्स है इसलिए मुझे ये अलग फील हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता चले जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि मुझे सो डैम के लिए फीलिंग्स नहीं है मुझे जीहू के लिए है। हैनुअल सो डैम को कहता है सो डैम क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और रोड क्रॉस करके उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें फेस टू फेस कहना चाहता था, फाइनली मैंने कह दिया, 1 साल पहले मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ देखा था तो मैंने तभी सोचा था कि तुम किस टाइप की लड़की हो, और फिर सेकेंड बार मैंने तुम्हें वो लड़के को धक्का देते हुए देखा था तो मैं तुम पे इंटरेस्ट लेने लग गया, फिर मुझे तुम अच्छी लगने लग गई और मैंने मेरे प्यार का इजहार भी क्लासरूम में कर दिया था जब तुम बीमार थी, लेकिन मैं तुम पे प्रेशर देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ही तुम्हें पसंद करूं, लेकिन मैंने तुम्हें इनयॉक के साथ यूट्यूब में देखा और जीहू के साथ ट्रेजर हंट के टाइम पे, तो मैं फिक्र में पड़ गया कि मैं लेट ना हो जाऊं, क्या तुम अब मेरे साथ डेट पे चलोगी, क्या मैं लेट तो नहीं हो गया।
फिर सोडाम को बताते हैं कि वो सोच रही है कि मैं इतने दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो हैनुअल है, और वो सिंसियर भी लग रहा है। और तभी उसे मैसेज आता है इनयॉक का। इनयॉक कहता है कि मैं सॉरी हूँ, मैंने हैनुअल को देख लिया था कि वो तुम्हें अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, लेकिन तुम सोच रही थी कि कहीं मैं तो नहीं हूँ, और मैंने तुम्हारे फीलिंग्स अपने फीलिंग्स जानने के लिए तुम्हें यूज़ किया, तो इसके लिए आई एम सॉरी। सोडाम सोचती है कि वो क्या सोच रहा है इनयॉक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। और यहाँ बताते हैं कि जीहू को इनयॉक का मैसेज आता है कि नो टर्निंग बैक, तुम्हें जो करना है वो करो। और जीहू भागकर आता है सोडाम के पास और उसे कहता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम उठा नहीं रही। तो सोडाम जब अपने मोबाइल को देखती है और कहती है सॉरी मोबाइल साइलेंट पे था, वैसे तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? तो जीहू कहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो कहता है कि मैं ये चेक करना चाहता था कि तुम बैग यूज़ कर रही हो या नहीं जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है। और फिर वो कहती है कि बस इसी के लिए। और तभी सोडाम के मोबाइल में मैसेज आता है कि मैंगो फ्रूट्स पहुंच गए हैं। तो वो कहती है मैंगो फ्रूट्स और मैं जाते ही इसे खाने वाली हूँ। तो जीहू हंसकर कहता है इस बार तुम किसे काटने वाली हो? तो वो अचानक ही कह देती है कि तब मैं नशे में थी तभी मैंने काटा था। तो वो कहता है तुम्हें याद है यानी वो दिन की बात जब तुमने मुझे किस किया था, लेकिन फिर भी तुम अनजान बन रही थी कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तो तुम क्यों ऐसे कर रही थी या तुम्हारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था? जीहू कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं पागल हो रहा था जब तुम फ्राइड चिकन खा रही थी तो तुम्हारे लिप्स से मेरी नज़र हट नहीं रही थी, और जब भी मैंगो की बात होती है मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे लिप्स की याद आती है, और क्या तुम जानती हो कि ये मेरा फर्स्ट किस था? फिर बताते हैं सोडाम घर तक पहुंच जाती है, तब फिर उसे हैनुअल की याद आती है कि हैनुअल ने कहा है कि सोडाम मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम ये जानती हो, मैं लेट तो नहीं हो गया? और फिर जीहू की याद आती है कि मुझे तुम्हारे लिप्स भूलते नहीं है और वो मेरा फर्स्ट किस है। और फिर वो किसी को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रही हूँ, और वो जा कर कहती है आई लाइक यू, और सामने होता है जीहू, और जीहू को कहती है कि जब से हमने किस किया है तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और जब फ्राइड चिकन मैं खा रही थी तभी मैं बहुत ही घबराई हुई थी, और जब तुम मेरे बैग की स्ट्रिप टाइट कर रहे थे मेरे जो तुमने गिफ्ट किया था तभी मेरा दिल बहुत ज़ोरों में धड़क रहा था, तो आई लव यू जीहू। और वो कहती है कुछ तुम तो कहो, और फिर जीहू उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ये मैं कहने वाला था पहले लेकिन तुमने कह दिया आई लव यू टू सोडाम। और फिर हमें बताते हैं एक घंटे पहले की बात, तो वो हैनुअल को कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने कन्फेस किया होगा और मैं तुम्हें अलग तरीके से देख भी रही थी, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मेरे दिल में कोई और ही है, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने मुझे कन्फेस किया था क्योंकि मैं जीहू को बहुत पसंद करती हूँ। फिर हैनुअल कहता है कि मैं बहुत देर कर दी मैंने, और कहता है कि मैं तो अब तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं बन सकता, फिर भी मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कह दिया। नेक्स्ट डे जीहू और इनयॉक मिलते हैं, तो जीहू कहता है कि मैं सोडाम के साथ मेरा कल फर्स्ट डेट है, तो इनयॉक कहता है अच्छा है तुम्हारे लिए, तो जीहू कहता है मैं चाहता था जब मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं पीसी रूम में डेट करूं, लेकिन सोडाम को पीसी रूम पसंद नहीं है, उसको कंप्यूटर पसंद नहीं है, और वो सीखना मैं सिखा देता उसे लेकिन वो सीखना भी नहीं चाहती, क्या तुम मेरे साथ पीसी रूम में चलोगे? और वो दोनों हंसते हैं। और फिर बताते हैं कि उनकी फर्स्ट डेट है और बहुत ही तैयार होकर सोडाम आती है और वो कहती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जीहू कहता है कि हम फ्राइड चिकन खाने चलते हैं, तभी सोडाम को याद आता है कि उसने कहा था कि वो जब फ्राइड चिकन खा रही थी तभी उसके लिप्स से उसकी नज़र नहीं हट रही थी, तो वो अपने लिप्स को कवर करती है हाथों से और हंस कर वहाँ से हट जाती है।
तभी जीहू कहता है मेरी मैंगो रुक जाओ, और फिर हैनल के मोबाइल में पोस्ट देखता है, दोनों के पिक्स होते हैं, तो कहता है कि बहुत ही अच्छे कपल्स लग रहे हैं। और तभी उसे एक मैसेज आता है, क्या तुमने मुझे पहचाना, मिडिल स्कूल से कोई लड़की होती है। और फिर इनके डिस्कशन चल रही होती है क्योंकि स्कूल चेंजिंग का टाइम आ गया होता है। तो बोना कहती है मैं तो वो ब्यूटी स्कूल जाऊंगी, और जीहू कहता है मैं वो स्कूल सेलेक्ट करूंगा जहां से जूडो क्लब नज़दीक है। और हैनुअल कहता है मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैं सोच रहा हूं। तो बोना कहती है कि तुम्हें तो बहुत सारे चांसेस है क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत क्लेवर हो। और सो डैम सोचती है कि 16 इयर्स जो एज का पार्ट है वो ख़त्म हो गया, अब न्यू स्टार्ट होने वाला है। और फिर बताते हैं जूडो क्लब में जीहू कर रहा है अपनी प्रैक्टिस, और सो डैम उसे चलने कह रही है, और वो कहता है थोड़े एक्सरसाइज के बाद चलते हैं, लेकिन जो सो डैम है जीहू को फोर्स कर रही होती है। और तभी जीहू उसे किस करता है, और वहीं पर उनकी हैप्पी एंडिंग बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट जो मैं न्यू ड्रामा पोस्ट करूँगी उसे ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।